संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के लोकप्रिय खंड में सुनिए संत और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे को। बहनों भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से लोकप्रिय अहिंसात्मक संघर्ष के प्रबल सेनानी थे आचार्य विनोबा भावे। आजादी की लड़ाई में मानवाधिकार की रक्षा में और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुविचार एक देश अपनी अस्मिता अपने पास रखे हथियारों से नहीं बल्कि अपनी नैतिकता से बचा सकता है। वर्धनम गुणवर्धनम यानी गुण बढ़ाने के लिए आचार्य जी के विचार। ये समझने की बात है कि हम लोग बिल्कुल अनेक दोषों से भरे हुए हैं, लेकिन दोषों के साथ भगवान ने कुछ न कुछ गुण भी रखे होते हैं। बड़े बड़े महात्मा हैं, उनमें भी भगवान ने दोष रखे, गुण काफ़ी और का दोष। और नीच से नीच मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसमें एक भी गुण भगवान ने न रखा हो। ये भगवान की योजना है, सर्वगुण संपन्न वो है और बाकी सब में कुछ गुण कुछ दोष मिश्रण है। तो ऐसी हालत में हमको एक दूसरों के दोष देखना ही नहीं चाहिए बल्कि गुण ही देखना चाहिए। वो हम करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। एक महापुरुष हो गए असम में, माधवदेव, ब्रह्मचारी थे, 107 साल जिए, घर घर में उनका नाम है वहाँ पर असम में। दुर्दैव हमारा कि हमारे लोग जानते नहीं उनके नाम को, दायडन और शैली जानते होंगे लेकिन माधवदेव को जानते नहीं। ऐसी विपरीत शिक्षा यहाँ है। जिस पुरुष का नाम असम के हर घर में है और उनके हुए लगभग 500 साल हो गए, उनका एक वचन है, वो वचन बाबा कभी नहीं बोलता। उन्होंने मनुष्यों के चार वर्ग किए। एक अधम जो दूसरों के दोष देखता है, दूसरा मध्यम जो गुण और दोष दोनों देखता है, तीसरा उत्तम जो दूसरों के केवल गुण ही देखता है, और उत्तमोत्तमे अल्प गुण करय विस्तार। और उत्तमोत्तम पुरुष कौन? जो दूसरे के अल्प गुण का विस्तार करता है। बहुत ही सुंदर वचन है, उत्तमोत्तमे अल्प गुण करय विस्तार। ये असम यह भाषा हिंदी के नज़दीक ही है। ये जो उत्तमोत्तम लक्षण है, दूसरों के अल्प गुण का विस्तार करना, इसकी सर्वोत्तम मिसाल हमारे ज़माने में महात्मा गांधी जी हो गए। बाबा के उनके संबंध में संपर्क में बाबा ने देखा कि बाबा के अल्प स्वल्प गुण को गांधी जी ने शतगुणित करके माना और शतगुणित करके लोगों के सामने रखा, और परिणाम क्या हुआ? सचमुच में बाबा के जो स्वल्प गुण थे वो बढ़ गए। तो ये हमारी छोटी सी जमात, अगर महापुरुष माधवदेव का वो पद्य कंठ करे, गांधी जी की मिसाल सामने रखे और गुण को बढ़ाते जाए दूसरों के, तब तो शब्दों से शब्द बढ़ता है, गुण बढ़ता है। और होम्योपैथी ऐसा होता है, वो गुणों का वर्धन होता है, मर्दनम गुणवर्धनम। दूसरों के गुणों का उच्चारण करते जाते हैं तो गुण बढ़ता जाता है। बापू के भाषण से प्रभावित होकर विनोबा जी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा जी को पत्र लिखा। महात्मा जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और वर्धा आश्रम का कार्यभार सौंप दिया। हालांकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी पर उन्होंने निजी पढ़ाई जारी रखी। वो मराठी, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, उर्दू भाषाएं जानते थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में दिए मानव जीवन मूल्यों को और मराठी संतों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाया। श्रीमद भगवद गीता का रूपांतरण मराठी में किया। सुविचार श्रीमद भगवद गीता में कोई बड़ी विवेचना नहीं है, इसकी सभी बातें आम जन के लिए हैं, जिसे समझकर हर कोई अपनी जिंदगी में गीता का अभ्यास कर सकता है। रूहानियत विज्ञान और साहित्य के आपसी संबंध के बारे में विनोबा जी। जैसे रामानुज ने कहा कि साहित्य में जितने शब्द हैं वो सारे एक ब्रैकेट करके उसका अर्थ लिखना चाहिए भगवान, उसके दूसरे अर्थ जो भी हो। ये घड़ी मेरे सामने पड़ी है, इसका एक अर्थ तो घड़ी है जरूर, लेकिन दूसरा अर्थ उसका है भगवान।
और ये लाउड स्पीकर जो मेरे सामने है उसका एक अर्थ है लाउड स्पीकर जरूर, लेकिन दूसरा अर्थ है भगवान। तो इस तरह से कुल शब्द भगवत अर्थ होते हैं। ये रामानुज का एक विशेष ही आविष्कार है जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है, और कुल का कुल अपना सिद्धांत इस बात पर उन्होंने खड़ा किया है कि श्रुति में और वेद में जितने भी शब्द आए हैं उनके बाहरी अर्थ कुछ भी हो, अंदरूनी अर्थ उसके भगवत स्वरूप होते हैं। तो उसी तरह से तुलसीदास जी को राम नाम हुआ है, सब शब्द उनके लिए राम नाम ही हैं। तो मैं राम नाम से यहाँ मतलब साहित्य ले रहा हूँ, और ऐसी श्रद्धा मुझ में है कि रूहानियत और साइंस को जोड़ने वाली कड़ी इसके आगे साहित्य हो, यानी ये तीसरी शक्ति। ऐसी तीन शक्तियाँ दुनिया में काम करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। लोगों को आकार देने में इन तीनों शक्तियों ने इसके पहले भी काफ़ी योग दिया है, लेकिन इसके आगे इन्हीं को काम करना है, और बीच में दखल देने वाले और जो दो शक्तियाँ थी उनको मनुष्य जीवन में दखल देने से बाद आना है, हटना है वहाँ से, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। विनोबा जी के धार्मिक दृष्टिकोण में सभी धर्मों के विचार सम्मिलित थे। उनका एक नारा था जय जगत। उनके नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन की नींव पड़ी। इसका उद्देश्य था गरीबी को खत्म करना। सुविचार, यदि रोज एक ही रास्ते पर चला जाए तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और हम अपने कदमों पर गौर किए बिना ही अन्य विषय पर सोचते हुए भी सही राह चल सकते हैं। स्वावलंबन और ग्राम स्वराज है सर्वोदय का आधार। प्यार से सारे एक हो जाएं, सामाजिक एकता ये हमारी ताकत, जिसको मैं भौतिक ताकत कहता हूँ। गांव-गांव में उत्तम अनाज पैदा करें, गांव-गांव के लोग अपने पांव पर खड़े हो, और गांव-गांव में स्वराज हो, इस प्रकार की ग्राम स्वराज्य की सारे भारत के लिए योजना, ये आर्थिक पहलू और सामाजिक एकता, ऊंच नीच जाति भेद वगैरह कुछ नहीं, हम सारे एक। और हम सारे एक यानी भारत के लोग एक सौ नहीं, हम मानव मात्र हैं, मानव हैं, ऐसी मानव की भावना से एक हो जाएं, ये दो बात, और तीसरी बात नैतिक ताकत हम बनाएं। तो सामाजिक एकता, नैतिक ताकत और गांव-गांव की आर्थिक स्वावलंबन की योजना, गांव-गांव में स्वराज्य की योजना, ऐसा तीसरा कार्यक्रम हम करेंगे तभी कामयाब होंगे और हम टिक सकेंगे। जहाँ मैं नैतिक शक्ति की बात करता हूँ वहाँ मेरे मानी क्या है, मानी यह है कि हम कभी दबेंगे नहीं, किसी को दबाएंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी को डराएंगे नहीं, इस प्रकार की जो वृत्ति वो नैतिक शक्ति है। उस पर से सर्वोदय शब्द बना है कि हम बिल्कुल हमारा आखिरी जो शख्स है जो सबसे नीचे गिरा हुआ है उसको उतनी कीमत देते हैं जितनी कीमत ऊंचे से ऊंचे जो मनुष्य खड़ा है उसको कीमत देते हैं। इस तरह से हमारे समाज में ऊंचे से नीचे तक सबको हम बराबर कीमत देते हैं, इसका नाम सर्वोदय है। और ये विचार ईसा मसीह ने बड़ी सुंदरता से एक कहानी के रूप में बताया है बाइबल में। गौतम बुद्ध और ईसा मसीह ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनका संदेश बहुत स्पष्ट रूप में दुनिया के सामने आया है। अब उसी प्रकार का एक महामानव अपने भारत में हो गया महात्मा गांधी, उन्होंने वही संदेश आज की परिस्थिति में लागू किया भारत में कि भलाई से ही भलाई बढ़ेगी और बुराई से बुराई ही बढ़ेगी, और बुराई का प्रतिकार भलाई से ही करना पड़ेगा, बुराई से बुराई का प्रतिकार कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा जिनका विश्वास है, ऐसे जो थोड़े से भाई हैं उनको अपनी बिरादरी बनानी चाहिए और एक दूसरों का प्यार खूब बढ़ाना चाहिए और एक दूसरों का बल बढ़ाना चाहिए, ताकि ये छोटी सी जमात एक खमीर का काम करे, लेवन का काम करे, और सारे समाज के अंदर घुस करके समाज को उस प्रकार का रूप दे। इस प्रकार की चेष्टा, इसी कोशिश भूदान ग्रामदान यज्ञ में चल रही है, शांति सेना की भी कोशिश हो रही है, इसलिए दुनिया भर के लोगों के मनों में इस काम के लिए प्यार पैदा हुआ है, कुछ आशा पैदा हुई है। भारत स्वतंत्र हुआ पर गरीबों के पास रहने को जमीन नहीं थी, तब भूदान आंदोलन के द्वारा उन्होंने जनता से जमीन मांगी
और 6 आश्रम गरीबों के लिए बनाए। सुविचार, यदि कोई मनुष्य अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं रह जाता जो उस पर अपना जोर चला सके। भूदान आंदोलन के लिए भाईचारे और शांति की चाह के बारे में विनोबा जी। ये भूदान यज्ञ 9 साल तक चला, परमात्मा की कृपा है दुनिया पर और परमात्मा की कृपा है भारत पर, इस वास्ते ये विचार निकला है। अब ये विचार कभी समाप्त होने वाला नहीं, वो पूरा होकर ही समाप्त होने वाला है। ये कुल दुनिया में चलने वाला है और इसके भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में गिनने के नहीं। जिस किसी ने ये सोचा हो कि बाबा का असर पंजाब पर कितना पड़ा, बाबा का असर राजस्थान पर कितना पड़ा, बाबा का असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ा, उसने इस तहरीक को, इस आंदोलन को, इस आरोहण कार्य को समझा ही नहीं। अगर बाबा का असर देखना है तो बाबा चाहता है कि बाबा का दुनिया पर कतई असर न रहे, और परमेश्वर करेगा तो ऐसा ही होगा। ये बाबा चला जाएगा और परमेश्वर में लीन होगा, परमेश्वर का नाम चले, बाबा का नाम खत्म हो जाए, और बाबा का कोई असर दुनिया पर नहीं रहना चाहिए, ये बाबा की इच्छा है। जहाँ तक बाबा का ताल्लुक है, जहाँ तक विचार का ताल्लुक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस विचार का असर पंजाब में नहीं ढूंढना है, राजस्थान में नहीं ढूंढना है, उत्तर प्रदेश में नहीं ढूंढना है, इसका असर कुल दुनिया में ढूंढना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसका असर दुनिया में ढूंढते हुए नजर आता है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर कौम में इस प्रकार की भावनाएं जो भूदान के जरिए यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुई है, उस प्रकार की भावनाएं कुल दुनिया में जगह जगह पैदा हुई है, और जगह जगह हमारा भाईचारा, हमारे मित्र जगह जगह पड़े हैं, हर देश में पड़े हैं, शांति के लिए लालायित हैं, मर मिटने को उत्सुक हैं, और हमारी कुल दुनिया की एक जमात है ऐसा मानने वाले पुरुष कुल दुनिया में अवतीर्ण हुए हैं, हर जमात में, हर कौम में, हर देश में। इस वास्ते इसका असर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं ढूंढना है, और 9 साल में 9 लाख एकड़ जमीन ऐसा हिसाब नहीं करना है। ये तो एक विचार बीज है और वो फलेगा फूलेगा खूब, और उसमें से शाखाएं निकलेगी। वट वृक्ष के समान उसकी एक पहचान है कि उसमें से अनेक शाखाएं निकलती है। तो आपने देखा कि भूदान में से ग्रामदान निकला, संपत्ति दान निकला, श्रमदान निकला, जीवन दान निकला, बुद्धि दान निकला, ऐसे तरह तरह की शाखाएं उसमें से फूट निकली, नया नया विचार निकल ही रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने जैन धर्म के अनुसार समाधि मरण का रास्ता अपनाया और खाना पीना दवा आदि का त्याग कर दिया। 1958 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला तथा मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सुविचार, कोई भी क्रांति अपने उद्गम स्थल यानी स्रोत पर एक आध्यात्मिक रूप में होती है। इस आध्यात्मिक रूप का मूल होता है समस्त लोगों के हृदय को एक सूत्र में बांधना। अभी आपने लोकप्रिय खंड में सुना संत एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे को। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी तपस्या, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। हमारे अन्य कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित होगा 10 मई 2021 को सवेरे 10:30 पर। इसके समृद्ध साहित्य खंड में आप सुनेंगे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर को। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।